हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुव पंचाल ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम बात करते हैं सर्वेइंग के बारे में। हमारी क्लासिफिकेशन देखा उसमें जियोडेटिक और प्लेन सर्वेइंग था। इसमें सेकेंडरी में आता है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, बेस्ड ऑन मेथड, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, जियोडेटिक सर्वे एंड माइंड सर्वे एंड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड। तो अब हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से है, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, टेचियोमेट्रिक सर्वे, फोटोग्राफिक सर्वे। फिर मेथड के हिसाब से देखें तो ट्राइंगुलेशन और ट्रावर्स होता है। और अगर हम जियोलॉजिकली सर्वे देखें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे और मिलिट्री सर्वे। और जो नेचर के हिसाब से होते हैं उसमें लैंड, मराइन और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है। तो अगर हम फर्स्ट देखेंगे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, तो फर्स्ट हमारा चेन सर्वेइंग। तो ये एक सिंपल सर्वेइंग होता है जिसमें ओनली हम मेजरमेंट यानी कि लीनियर मेजरमेंट ही कर पाते हैं, उसमें एंगल नहीं होता है। और ये चेन और टेप द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इधर है चेन, वो कई प्रकार की होती है। इंजीनियरिंग चेन होती है, मेट्रिक चेन होती है, घंटर चेन होती है। फिर हमारा है कि कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वे में क्या होता है, तो एंगल मेजर किया जाता है विथ हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। तो ये आप इधर फोटो देख सकते हैं, ये कंपास है, तो इसके द्वारा हम एंगल मेजर कर सकते हैं। चेन एंड कंपास सर्वे, तो चेन और कंपास दोनों यानी कि चेन है जो हमारी टेप के द्वारा लीनियर मेजरमेंट करेगा और जो एंगुलर मेजरमेंट है वो कंपास द्वारा होगा। तो ये चेन है और ये हमारा कंपास है। प्लेन टेबल सर्वे, तो ये एक ग्राफिकल मेथड होता है। इसका एमसीक्यू भी आता है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है, तो वो ग्राफिकल मेथड है जो हम ऑफिस, इसमें कम से कम ऑफिस वर्क होता है विथ वर्क प्लॉटिंग बोथ डन एंड साइमल्टेनियसली। यानी कि इसमें सर्वेइंग में मेथड में हमें फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग बोथ करना पड़ता है। फील्ड वर्क भी होना चाहिए और प्लॉटिंग भी होना चाहिए। तो ये हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग हो गया। फिर आता है थियोडोलाइट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हॉरिजेंटल एंगल मेजर, हॉरिजेंटल एंगल आर मेजर विद थियोडोलाइट मोर प्रिसाइजली देन कंपास। तो कंपास से भी प्रिसाइजली हम हॉरिजेंटल एंगल थियोडोलाइट से मेजर कर सकते हैं। लीनियर मेजरमेंट आर मेड विद इट्स चेन और टेप। तो वो लीनियर मेजरमेंट जो होता है वो चेन और टेप द्वारा किया जाता है। फिर आता है कि टेचियोमेट्रिक सर्वे। तो टेचियोमेट्रिक सर्वे में क्या होता है, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस इनडायरेक्टली हम मेज़र कर सकते हैं। तो हमने अभी आगे तो वो टेप द्वारा लीनियर मेजरमेंट यूज़ किया था, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के डिस्टेंस मेज़र करने हैं तो हम टेचियोमेट्रिक सर्वे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा है कि लेवलिंग सर्वे। तो लेवलिंग सर्वे में क्या होता है, तो टाइप ऑफ सर्वे इज़ यूज टू डिटरमाइन वर्टिकल डिस्टेंस। जो हमारा वर्टिकल ये डिस्टेंस है, तो ये सब डिस्टेंस हम एलिवेशन जिसको कहते हैं वो हम लेवलिंग सर्वे में यूज़ करते हैं। हाइट ऑफ द पॉइंट विथ हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट नोन एज लेवल। तो लेवल द्वारा हम यूज़ कर, इधर आप देख सकते हैं एक मेन सर्वेयर है वो इधर थियोडोलाइट जैसा है जिसमें लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा वो लेवलिंग करता है, और दूसरे वर्कर वो रेंजिंग रोड टाइप्स वो मेजर कर। फिर है फोटोग्रामेटिक सर्वे। तो फोटोग्रामेटिक सर्वे में क्या होता है, तो इट इज़ अ साइंस ऑफ टेकिंग मेजरमेंट विथ हेल्प ऑफ फोटोग्राफ टेकन बाय एरियल कैमरा फ्रॉम द क्राफ्ट। तो हम प्लेन द्वारा या किसी भी ड्रोन द्वारा हम फोटोग्राफ लेते हैं और उसके हिसाब से हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं। वो प्लेन से लिए जाते हैं यानी कि वो इसको ही हम एरियल कैमरास कहते हैं। तो ये हम बेसिकली एक फोटोज के द्वारा मेजरमेंट करते हैं। फिर आता है ईडीएम मशीन। तो ईडीएम सर्वे में क्या होता है, इट इज़ सर्वे ऑफ ऑल मेजरमेंट यानी कि लेंथ, एंगल और कोऑर्डिनेट आर मेड ऑफ विथ ईडीएम मशीन टोटल स्टेशन। तो ये टोटल स्टेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके वजह से, जिसके उपयोग से हम लेंथ, एंगल और कोऑर्डिनेट तीनों का मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर हमारा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड। तो मेथड के हिसाब से कुछ के क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट है ट्राइंगुलेशन। तो इसमें क्या होता है, इट इज बेसिकली मेथड ऑफ सर्वेइंग व्हेन एरिया टू बी सर्वे इज लार्ज। तो अगर हमारा एरिया लार्ज है तो ये हम ट्राइंगुलेशन सर्वे का उपयोग करते हैं। एंटायर एरिया इज डिवाइड इंटू नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल। तो वो पूरा एरिया हम ट्राइंगल के नेटवर्क में डिनोट करेंगे। ट्रावर्सिंग, तो ट्रावर्सिंग क्या है, तो इट इज़ अ सर्किट ऑफ सर्वे लाइन, इट मे बी ओपन और क्लोज। वो ओपन या क्लोज होती है व्हेन द लीनियर मेजरमेंट आर डन विद द चेन।
एंड टेप। तो लीनियर मेजरमेंट हम चेन और टेप द्वारा करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर विद कंपास और थियोडोलाइट रिस्पेक्टिव विद द सर्वे ऑफ कोर्ट टावर्स इन सर्वे। तो इसमें दोनों यानी कि लीनियर और हॉरिजॉन्टल एंगल वाला दोनों हम मेजरमेंट कर सकते हैं यूजिंग कंपास और टेप द्वारा, तो इसको हम टावर्सिंग कहते हैं। फिर हमारा होता है कि जियोलॉजिकल सर्वे, ये बेस्ड ऑन पर्पस के हिसाब से। तो जियोलॉजिकल सर्वे में क्या होता है, इट इज़ कंडक्टेड टू लोकेट डिफरेंट मिनरल्स रॉक्स एडिशन टू जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ट्रेन सच एज फॉल्ट एंड फॉल्ट ऑफ लोकेटेड। तो इसमें जियोलॉजिकल सर्वे में हमारे स्टोन माइनिंग के मिनरल्स वगैरह हम इस जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा डिनोट कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स वगैरह है वो हम जियोलॉजिकल सर्वे में दिखा सकते हैं। फिर आता है कि माइन सर्वे। तो माइन सर्वे में क्या होता है, इट इज़ बोथ सरफेस एंड अंडरग्राउंड सर्वे। तो ये सरफेस का और अंडरग्राउंड दोनों का सर्वे होता है, कंडक्टेड फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल डिपोजिट टू गाइड द टनलिंग एंड अदर ऑपरेशन एसोसिएट विथ माइनिंग। तो माइनिंग के लगते कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी सर्वे हो, तो वो हम इसमें अंडरग्राउंड सर्वे हो या सरफेस के ऊपर है तो वो माइन सर्वे द्वारा किए जाते हैं। फिर होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो इसमें क्या होता है, तो ये एक हमारा कोई भी एरिया को फोकस करना है या कोई भी रिवर का बात है, कोई भी एक स्पेशल बात है, तो उसमें आर्कियोलॉजिक सर्वे यूज होते हैं टू लोकेट एंटीक्विट सिविलाइजेशन किंगडम फोर्ट और टेम्पल वगैरह। तो ये हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा डिनोट किया, अगर इधर कोई टेम्पल है तो वो हम इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा डिनोट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मिलिट्री सर्वे। तो मिलिट्री सर्वे में क्या होता है, तो इसमें कोई भी हमारा मिशन हो, कोई भी हमारे ऑपरेशन के फंक्शन है, कोई भी पोजीशन लोकेट करना है, कोई भी स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करना है, तो वो हम मिलिट्री सर्वे द्वारा मिलिट्री सर्वे मैप में हम देख सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एप्लीकेशन इन मिलिट्री एरियल सर्वे आर कंडक्टेड फॉर दिस पर्पज एंड इट इज़ कंडक्टेड टू लोकेट स्ट्रेटेजिकल पोजिशन फॉर पर्पज ऑफ आर्मी ऑपरेशन। तो आर्मी ऑपरेशन के लिए ये मिलिट्री सर्वे किया जाता है, और ये एरियल द्वारा यानी कि हमारे एयरक्राफ्ट एरोप्लेन द्वारा इसके फोटोज़ वगैरह लिए जाते हैं। फिर है हमारा बेस ऑन नेचर ऑफ फील्ड। तो नेचर ऑफ फील्ड में क्या आता है, तो कि लैंड सर्वे। तो लैंड सर्वे में क्या, इट इज़ डन बाय लैंड टू प्रिपेयर प्लान एंड मैप ऑफ गिवन एरिया टोपोग्राफिकल सिटीज कैडेस्ट्रल सरफेस एंड एट सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ लैंड सर्वेइंग। तो लैंड सर्वे में क्या होता है कि कोई भी सिटीज है, कोई कैडेस्ट्रल सर्वे है, वो सब इसमें आता है, कोई भी एरिया है तो वो सब लैंड सर्वे में आता है। फिर है कि हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। तो हाइड्रोलॉजिकल यानी कि वर्ड से आपको पता चलता है, हाइड्रो यानी कि वाटर। तो सर्वे विच इज़ कंडक्टेड और नियर द बॉडी ऑफ वाटर सच एज लेक रिवर कोस्टल एरिया एंड सर्वे विच कंसिस्ट ऑफ लोकेटिंग शोर ऑफ लाइन ऑफ वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडीज वगैरह होती है उसको डिनोट करने के लिए हम हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं इमेज भी है। फिर हमारा है कि एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे टू डिटरमाइन द लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो एजीमिथल की लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती है वो हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे द्वारा कंडक्ट किया जाता है ये सर्वे। और ये वेरियस प्लेस ऑन अर्थ बाय ऑब्जर्विंग हेवनली बॉडी। तो जो हेवनली बॉडी होती है वो सबको डिनोट करने के लिए वो सब उसके लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे यूज़ करते हैं। तो इधर आप कोई भी एरिया का आप देख सकते हैं, जो स्पेस वगैरह होते हैं उसमें भी ये सर्वे यूज़ किया जाता है। फिर हमारा लास्ट है कि एरियल सर्वे। तो एरियल सर्वे क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एरियल यानी कि एयर में, जो कि हमारा एयरक्राफ्ट द्वारा एरियल कैमरा लेक फोटोग्राफ ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इन ओवरलैपिंग स्ट्रिप ऑफ लैंड एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फोटोग्राफिक सर्वे। तो इसको हम फोटोग्राफिक सर्वे भी कहते हो। ये हमारा कोई भी एक एरोप्लेन जैसा जो ड्रोन वगैरह उसमें से हम फोटोग्राफ लेते हैं, तो ये फोटोग्राफ्स को हम सर्वे इन करते हैं जिसको हम एरियल सर्वे कहते हैं। तो यह हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।